सबके चैनल टीम टेक्स में आपको बहुत बहुत स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। दोस्त, अगर आप स्पाइस मनी की एक रिटेलर है और आपके पास एक स्पाइस मनी का एक्टिव आईडी है तो ये वीडियो आपके लिए है, और ये वीडियो आपके लिए भी है अगर आपके पास स्पाइस मनी की आईडी नहीं है और आप स्पाइस मनी की आईडी लेना चाहते हैं तो भी आप ये वीडियो आप ध्यान से इत्मीनान से देख सकते हैं। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 194N की तहत जो 20 लाख की बाद 2% का टीडीएस चार्जेस होगा और 1 करोड़ रुपए पर 5% का टीडीएस चार्जेस होगा, उससे कैसे आपको निपटारा मिल सकता है, और अगर आप स्पाइस मनी का अगर आप रिटेलर है तो इसके लिए क्या सहूलियत वाला चीज है स्पाइस मनी की तरफ से, उसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्त, स्पाइस मनी ने ऑलरेडी 194N टीडीएस के लिए टीडीएस ना काटने के लिए स्पाइस मनी के रिटेलर के लिए एक लेटर इशू कर दिया है उनकी सेटलमेंट बैंक के तहत। मतलब मान लीजिए आपका सेटलमेंट बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक है तो स्पाइस मनी ने पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए एक लेटर इशू कर दिया है, वो आप अपनी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ साथ इस लेटर के साथ बैंक पे आपको और एक लेटर जमा करना होगा, वो है आपका बीसी सर्टिफिकेट। ठीक है, वो बीसी सर्टिफिकेट भी पोर्टल में ही है, उसको भी आपको एक साथ डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है और ब्रांच में लेके जमा करना है 2 साल की टीडीएस या फिर 3 साल की टीडीएस के साथ। फिलहाल इस समय आप 2 साल की टीडीएस बना सकते हैं। अगर आपको पहले से टीडीएस आईटीआर फाइल नहीं किया है आपने तो आप 2 साल की आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं, 0 NIL पे कर सकते हैं 2 साल का, और अगर आप पहले से है और 3 साल का टोटल है आपके पास तो भी आप इसके साथ ये जो सर्टिफिकेट है बीसी सर्टिफिकेट और 194N टीडीएस के तहत चार्जेस ना काटने के लिए जो रिक्वेस्ट लेटर है इसको आप साथ ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास 2 साल की ही आईटीआर रिटर्न फाइल है, आईटीआर रिटर्न है, तो आप अगर बैंक पे ट्रांजेक्शन करते कैश विड्रॉल करते तो आपको 20 लाख तक ही फ्री में वो लोग कैश देंगे। 20 लाख के ऊपर उठेंगे तो आपको 2% का चार्जेस आएंगे और 1 करोड़ के ऊपर आपको 5% का। अगर आपका 3 साल का आईटीआर रिटर्न किया हुआ है तो आपको 1 करोड़ तक छूट है, 1 करोड़ के ऊपर आप जाएंगे तो आपको 2% करके टीडीएस कटेगा। तो मान लीजिए आपका 3 साल का है फिर भी तो आपको 1 करोड़ का ही लिमिट है। बहुत सारे रिटेलर है जो 2-3 महीने में 1 करोड़ कम्प्लीट कर देते हैं तो वो कहां जाएंगे। तो लेटर ये सबके लिए है, उन सारे CSPs के लिए जो लोग कैश विड्रॉल अपने बैंक अपनी ATM से करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से आप वो दोनों सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, कहां से आप लोग ये सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप लोगों को उस चीजों को फॉलो करना है और अपने 2 साल या फिर 3 साल आईटीआर फाइलिंग के साथ इन 2 लेटर को प्रिंट करके अटैच करके बैंक पे जाके जमा करना है। अब बात है सारे बैंक वालों की, अगर ब्रांच में नजर गधा नहीं है तो वो प्रॉपरली समझ जाएगा, अगर गधा है तो मुश्किल आगे हो सकता है। इसका भी कुछ सोल्यूशन आएगा वो और किसी वीडियो में आप लोगों को बात करेंगे। फिलहाल स्पाइस मनी की अगर रिटेलर जो लोग है या फिर जो लोग स्पाइस मनी लेना चाहते उन लोगों के लिए वीडियो है, वीडियो को आगे देख लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस तरह से जुड़े रहिएगा। तो दोस्त, सबसे पहले हमको चले आना है हमारा स्पाइस मनी का जो पैनल है उस पैनल पे हमें चले आना है। बहुत खूबसूरत ये पैनल है, आप लोग देख रहे हैं, और जिसके पास नहीं है वो लोग बहुत जल्दी एक स्पाइस मनी का पोर्टल ले लीजिएगा, क्योंकि एक एक पोर्टल अब खुद में ही सबसे अलग रखता है खुद को। तो स्पाइस मनी का पोर्टल भी अपने आप में खुद को बहुत अलग रखता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा एड ऊपर में दिया गया है। ठीक है, ऊपर में DMT का धमाका ऑफर यहाँ पे दिया गया है, DMT का रेट क्या होगा, कितने ट्रांजेक्शन पर क्या चार्जेस लगेंगे, वो सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, जो जो ऑफर रहते ऑफर भी यहाँ पे दिया रहता है। ठीक है, और उसी तरह से आपको देखना है, देखिए BBPS से भी 500 तक का कमाई, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। आपको जाना है जिस चीज़ के लिए आज ये वीडियो TDS एग्जामिनेशन के लिए वीडियो है। यहाँ पे आपको TDS एग्जामिनेशन देखने को मिल रहा है, ये आप अगर स्लाइड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे, और आपके सामने नहीं है तो थोड़ा स्लाइड करके इसको लेके आया सामने TDS एग्जामिनेशन, इसमें ही क्लिक करते ही आपके सामने एक नया इंटरफेस खोल के आ जाएगा जहाँ पे आपको गूगल क्रोम या फिर किसी ब्राउज़र को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ब्राउज़र को सिलेक्ट करते ही इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का हो जाएगा, स्पाइस मनी TDS एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, ये वाला ऑप्शन पहले आपके सामने आएगा जो ब्लू कलर है, और राइट साइड में BC सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला चीज़ ब्लू हो जाएगा और ये हो जाएगा व्हाइट।
तो हम पहले एग्जामिशन लेटर में चले जाते हैं और यहाँ पे TDS एग्जामिशन सर्टिफिकेट फॉर स्पाइस मनी एजेंट्स, जो ऑलरेडी स्पाइस मनी का एजेंट है, ये लेटर उन लोगों के लिए है। और बैंक नेम है जो देखिए यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक का डिटेल दिया हुआ है, IFSC कोड डाला हुआ है, TDS एग्जामिशन लेटर डाउनलोड PDF भी लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड PDF लिखा हुआ है। हम डाउनलोड PDF में क्लिक करेंगे और डाउनलोड PDF में क्लिक करते ही यहाँ पे और एक इंटरफेस आया कि डू यू वांट टू डाउनलोड TDS सर्टिफिकेट। हाँ, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड पे क्लिक करते ही बैक हैंड में सिस्टम, इसकी बैक हैंड में बैकग्राउंड पे और इसका ये सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए TDS सर्टिफिकेट PDF, मैं इसमें क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही मेरे सामने TDS एग्जामिनेशन लेटर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए आज का डेट है, द मैनेजर पेटीएम पेमेंट बैंक लिखा हुआ है क्योंकि मेरा सेटलमेंट बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक है। सब्जेक्ट में लिखा है एग्जामिशन डिडक्शन ऑफ TDS US 194N फॉर द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट CSP। यहाँ पे क्लियर मेंशन है जो 194N की तहत जो डिडक्टेड होते हैं उसकी तहत ये वाला लेटर है और ये पूरा आप लोग कन्वर्ट करके भी पढ़ सकते हैं। डिटेल यहाँ पे सारा शेयर किया हुआ है कि उनका पैसा कोई 2% TDS जो है डिडक्ट, जो 2% TDS होते हैं आप लोग देख सकते हैं लिखा है एट द रेट 2% ऑन कैश विड्रॉ ओवर एंड अबव 1 करोर, बट फॉलोइंग पर्सन आर एग्जाम्प्टेड फॉर द प्रोविजन ऑफ द अबव मेंशन सेक्शन पर नोटिफिकेशन। यहाँ पे गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी डाला हुआ है, सब कुछ है, इसके साथ साथ आपका भी डिटेल डाला हुआ है। मतलब मान लीजिए लिपिका दास के नाम से ये वाला आईडी है तो लिपिका दास और इनका आईडी यहाँ पे डाल दिया है कि ये हमारा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है और वो इंडसइंड बैंक की तरफ से, देखिए लिखा हुआ है इंडसइंड बैंक की तरफ से मेंटेन्ड है ये वाला रिटेलर। नेमो बैंक अकाउंट डाला हुआ है, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर भी डाला हुआ है, नीचे स्पाइस मनी की तरफ से ऑथोराइज साइन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे CSP का कोड डाला हुआ है, CSP का नाम डाला हुआ है, CSP का अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड डाला हुआ है, इसको आपको प्रिंट करना है और साथ में जो देना पड़ेगा देखिए लिखा है एनक्लोज्ड BC सर्टिफिकेट। ये BC सर्टिफिकेट जो है, ये जो BC सर्टिफिकेट है इसके साथ आपको ये एनक्लोज करके देना होगा। तो ये हो गया हमारा TDS एग्जामिशन लेटर मेरे नाम से, मतलब रिटेलर के नाम से, और इसके बाद हम बैक कर जाएंगे इसके साथ जो देना पड़ेगा BC सर्टिफिकेट। ये हो गया BC सर्टिफिकेट वाला सेक्शन और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट सर्टिफिकेट नीचे डाउनलोड ऑप्शन है, करना पड़ेगा डाउनलोड पे क्लिक, करते सेम डाउनलोड पे फिर से नीचे क्लिक करना है और इसका भी बैकग्राउंड में ये वाला सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है BC सर्टिफिकेट। और ये देखिए इंडसइंड बैंक की तरफ से BC सर्टिफिकेट है रिटेलर के नाम से, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है, यहाँ पे रिटेलर का नाम, वो वाला आईडी, पैन नंबर, उनका एड्रेस और कब से वो इस कंपनी के साथ इंडसइंड बैंक के एज ए CSP बन के काम कर रहे हैं वो डिटेल। ये दो चीज़ आपको लेके जाना है, साथ में लेके जाना है आपका TDS सर्टिफिकेट जो ITR रिटर्न एक्नोलेजमेंट सर्टिफिकेट जो है, दो एक्नोलेजमेंट सर्ट, दो या तीन जो भी है आपके पास, मिनिमम दो होना चाहिए और मैक्सिमम तीन, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं मगर ज़रूरत नहीं है, तीन नीचे दो होना चाहिए, दो लेके आपके ब्रांच में जाना है और ब्रांच मैनेजर के साथ आपको बात करना है कि सर ये देखिए मेरे पास TDS एग्जामिशन लेटर है, मेरे पास BC सर्टिफिकेट है, तो मेरे अकाउंट को आप प्रोडक्ट कोड चेंज करके एक ऐसा बंदोबस्त कर दीजिए ताकि 2% जो TDS काटा जाता है वो TDS मेरे अकाउंट से कैश विड्रॉ के बाद ना काटे। यही है सिंपल सी चीज़ें, इस चीज़ को आप करना है और नहीं होता है जो बैंक है, मान लीजिए पहले से मेरे पास ये वाला बैंक है, तो पहले वाला बैंक जो मेरे पास है, मैं फिर से एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ इसको, देखिए ये जो लेटर है इसमें पेटीएम पेमेंट बैंक है क्योंकि मेरा जो मेन सेटलमेंट अकाउंट है वो पेटीएम है, इसलिए यहाँ पे पेटीएम ही आया है। अगर पेटीएम वाला तो मेरे सामने है नहीं, मैं पेटीएम ब्रांच तक पहुँच नहीं पाऊँगा, तो मुझे जो करना पड़ेगा, आपको जो करना पड़ेगा वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर जो निकले वो निकला तो बहुत गधा, तो आपको चेंज करके किसी दूसरा बैंक का देना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट कोड चेंज होने के लिए करंट अकाउंट चाहिए, सेविंग्स अकाउंट से बॉस काम नहीं चलेगा। तो अगर इसको आपको चेंज करना है तो अगले वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे किस तरह से इसको आप
चेंज करेंगे और फ्री फिर दूसरे ब्रांच में आप जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं सेटलमेंट करने के लिए जाऊं मैं, तो मेरे को जो बैंक दिखाता है, प्राइमरी बैंक जो होगा मेरा, वो मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक है। ठीक है, ये देखिए मेरा प्राइमरी बैंक जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, आप लोग देख सकते हैं, तो इसमें ही ट्रांसफ़र होगा। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम हटा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें और एक वीडियो में आके बात करना पड़ेगा। पहले तो इसके ये वाला हथकंडा आपको अपनाना चाहिए। और जिनके पास स्पाइस मनी की आईडी नहीं है, वो लोग स्पाइस मनी की आईडी लेने की प्रयत्न कीजिए। और इसके लिए आप हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्त, अब तक आप लोगों ने देखा किस तरह से बीसी सर्टिफिकेट एंड 194N से छुटकारा पाने का जो सर्टिफिकेट स्पाइस मनी ने दिया है, उसको किस तरह से डाउनलोड करना है, ये प्रोसेस आप लोगों ने देख लिया है। आप फिर से और एक बार मैं कहना चाहता हूँ, पहले भी मैंने कहा, अभी मैं कहता हूँ, अगर ब्रांच से आपके पास लेटर ऑलरेडी आ चुके हैं या फिर नहीं भी आए, आपको तो पता है आपने कितने साल के ITR रिटर्न किए हैं, उस चीजों को लेके ब्रांच पे जाना है और ब्रांच मैनेजर से आराम से बात करना है। अगर ब्रांच मैनेजर नहीं समझता है, तो आपको ब्रांच में ढूंढना है कौन सा व्यक्ति है जो इन चीजों को समझता है। फिर भी कोई नहीं समझता इस बात को, तो आपको आगे चल के दूसरी बैंक की दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा। इन चीजों को ध्यान रखिएगा और उसी बैंक के लिए लेटर मिलेगा जो आपका मेन सेटलमेंट अकाउंट है। आप अगर आपकी स्पाइस मनी में आपने 5 बैंक को सेट करके रखा, जो प्रायोरिटी अकाउंट है, उसी बैंक के लिए लेटर इशू होगा। आपको प्रायोरिटी बैंक चेंज करना पड़ेगा, तो जाके आपको दूसरे बैंक के लिए लेटर इशू हो जाएगा। वो भी किसी और वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से प्रायोरिटी बैंक को चेक किया जाता है और उस लेटर से बैंक का नाम भी इस तरह से चेंज किया जाता है। तो वीडियो को अब तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।